टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि दरअसल से अनाउंसमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट लाइक पंजाब दिल्ली तेलंगाना आंध्र प्रदेश बंगाल आर अनसस्टेनेबल सेवरल टॉप ब्यूरोक्रेट्स से सम स्टेट्स कुड बी हेडिंग द वे ऑफ कैश स्टार लंका और ग्रीस इफ ट्रेंड ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर रिमेन अनचेक्ड। प्रोफेसर संतोष बरोटा जी, जो बात तभी प्रोफेसर अरुण कुमार जी कह रहे हैं, अगर किसी एक स्टेट के ऊपर 6.5 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा तो क्या उसकी इकोनॉमी सस्टेनेबल हो जाएगी? अगर उसमें अगर आप किसानों का कर्जे माफ कर रहे हैं, उसमें आप 300 यूनिट बिजली माफ कर रहे हैं, आप तमाम चीजें कर रहे हैं, प्रोफेसर मेरोत्रा आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। माफ करिएगा, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस 5 साल में यूपी की सरकार ने अपना कर्ज लगभग 2 लाख करोड़ से कम था और वो टोटल डेट जाकर के 6 लाख करोड़ से ऊपर जैसे आपने बताया हो गया है काम। तो रोचक बात तो ये है, मुझे तो लगता है कि अगर सेक्रेटरीज ने ये बात कही है प्रधानमंत्री जी को, और हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं, वो अखबार की रिपोर्ट ही एक है जी। ये मुझे बड़ी रोचक बात लगी कि आप वो राज्यों के नाम सुनिए जिनका नाम लिया गया है इन टॉप ब्यूरोक्रेट्स टॉप सेक्रेटरीज से। पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल, यानी कि पांचों प्रदेश विपक्ष के, विपक्षी सरकारों के, यूपी का नाम नहीं है। जबकि यूपी की अभी हमने जैसे चर्चा करी कि वो उनका उनका कर्ज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है पिछले 4-5 सालों में ही, पहली बात। दूसरी बात, मैं अधिकतर जो हमारे मित्र अरुण जी ने कहा उन सब बातों से मैं उनसे सहमत हूं, और विडंबना यह है आशुतोष जी कि जिस प्रकार के निश्चय राजपक्ष, प्रेसिडेंट राजपक्ष जी ने लिए, उनमें और हमारे प्रधानमंत्री के निर्णय करने के तरीकों में बहुत अंतर नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि एकदम से अप्रैल में ये श्रीलंकन सरकार कहती है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाएंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे देश में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं एकदम जहां पर चाय का उत्पादन और चाय का निर्यात आपकी अर्थव्यवस्था को चलाए रखता है, जहां अगर टी का प्रोडक्शन गिर जाएगा तो आपके आपके एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, आपकी फॉरेन एक्सचेंज गिरने, वही हुआ, और फूड प्रोडक्शन पे भी असर हुआ, मगर ये देखिए कि जो अकस्मात एकदम डिसीजन लेने के जो इनके तरीके रहे हैं हमारे हमारे प्रधानमंत्री के और इनके प्रेसिडेंट के, वो बिल्कुल एक से हैं। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी ओवरनाइट, लॉकडाउन नेशनल एट 4 आवर्स नोटिस, 3-3 ऐसे भयानक निश्चय जिनका कोई प्रिपरेशन नहीं, और उसी प्रकार के निश्चय ऐसी स्थिति में हमारी हमारी सरकार को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लाके खड़ा कर दिया है कि विकास दर लगातार घट रही थी, कोविड से पहले, और वो इतनी घटी कोविड के दौरान क्योंकि कोविड का मिसमैनेजमेंट हुआ, कोविड का जो के लिए जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ था उससे निपटने के लिए जो फिस्कल स्टिमुलस था वो बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन बहुत भयानक हुआ। तो इन मतलब डिसीजन मेकिंग सडन एक्सप्लोसिव डिसीजन, एक सिमिलैरिटी, दूसरा सिमिलैरिटी दोनों देशों के नेताओं में, इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन पीपल चाहे उसका कोई आधार हो चाहे ना हो, तीसरा आप मतलब अगर तुलना करिए कि फॉलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, राइजिंग पॉवर्टी, उसके ऊपर से मतलब जब इस तरीके के डिसीजंस होते हैं तो ये डर तो लगा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सच बात तो ये है, साइलेंट फिस्कल क्राइसिस हमारे देश में थी, मगर ये सेक्रेटरीज एकदम से कैसे जागे हैं,
जब कुछ राज्यों में जो जो विपक्ष द्वारा रूल किए जा रहे हैं वहां ये डिसीजन पेंशन के बारे में हो रहा, अरे जहां पर कर्ज माफ किया जा रहा था, जहां आप स्वयं टैक्स घटा रहे थे कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जहां पर्सनल इनकम टैक्स रेट घटा रहे थे इलेक्शन जीतने के लिए 2019 में, उनकी चर्चा ये सेक्रेटरीज कैसे नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है, हमें सोचना चाहिए। आप इसके पीछे पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जानबूझ की सरकारों को टारगेट किया गया है उनको? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, इस सरकार की नियत पे बहुत शक किया करना चाहिए, क्योंकि हर तरीके से एवरी इकोनॉमिक डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब अरुण की बातें सही हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा सुदृढ़ है हमारे देश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि कुछ राज्यों की के डेट का कुछ ज्यादा है, कुछ के कम होते हैं, मगर अर्थव्यवस्था हमारी कोई कम कमजोर नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।